प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस के एक दिवसीय दौरे के बाद आज नई दिल्ली लौटे। पीएम मोदी ने कहा उनकी रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत अत्यंत सफल रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के दावेदार एचडी कुमार स्वामी कैबिनेट प्लान के लिए राहुल और सोनिया गांधी से मिले, शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया निमंत्रण। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को पुलिस वाले ने पीटा, शरीर में आए चोट के निशान, आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग, 143 यात्री थे सवार, विमान के हाइड्रोलिक में आई थी गड़बड़ी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की आधारिक वेबसाइट हैक कर लिखा हैप्पी बर्थडे पूजा, यूजर्स ने कहा यह है डिजिटल इश्क। राजा राम मोहन राय को समर्पित है आज का गूगल डूडल, मुगलों से मिली थी राजा की उपाधि, आज उनका 246वां जन्मदिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर, आरजेडी ने सवाल उठाकर कहा हमें आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा और संघ के हिंदुत्व के एजेंडे के मामले में इतने लाचार क्यों हो जाते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने पूरा अस्तबल बेच खाया। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में पैदा हो रहे बच्चों पर एक चौंकाने वाला किया ट्वीट, कहा रोहिंग्या कैंप में 9 महीने में पैदा हुए 16,000 बच्चे। सरकारी बंगला बचाने के लिए मायावती ने खेला दांव, घर के बाहर लगवाया नया बोर्ड जिस पर लिखा कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल,